हरियाणा में इस साल धान की खरीद के लिए 199 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार पहले 25 सितंबर तक इसे पर्याप्त मानकर चल रही थी, लेकिन बारिश की वजह से खरीद शुरू करने तारीख आगे बढ़ गई। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को बताया कि पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है। पंजाब में वर्ष 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, जबकि हरियाणा में आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर से यह काम शुरू हुआ था। अब अधिकारियों ने धान की भारी आवक का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से 72 अतिरिक्त खरीद स्थलों की भी पहचान की गई है। यदि खरीद मौजूदा 199 केंद्रों पर भारी मात्रा में आवक होगी तो इन अतिरिक्त स्थलों का उपयोग भी धान की खरीद के लिए किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि करीब 4 लाख किसानों को धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का अनुमान है। हरियाणा सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में खरीफ सिर्फ 56.55 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद की थी, जबकि 2019-20 में 64.29 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया था। अधिकारियों को इस बार भी 2019-20 की तरह आवक का अनुमान है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।